देवरानी की सौतन। राधा एक सीधी साधी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी, आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सुनाली है। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल, निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो, मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ, आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी, ये मेरा कमरा है, आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है, छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुम कहो। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा जरूर तुम में ही कोई कमी होगी, जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं, सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता, सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नजदीकियां देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है, माँ जी आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा मुझसे क्या पूछ रही है, अपने पति से पूछ। मिहिर जी, राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत, तू उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली सोनाली जल्दी बाहर आओ, इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओह डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देते, देखो
कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मीर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देख कर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मीर सोनाली से कहता है, सोनाली कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा राधा को भी शॉपिंग पर ले जा, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ, मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ तो वो क्यों रह रही है इस घर में, चली क्यों नहीं जाती? राधा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना, बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मैम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन, मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपया नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इन्वाइट कर दीजिए। मिहिर तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर है। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता अब तुम बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ मैंने ही सोनाली को रुपया दिए थी कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे, घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मेरा घर बर्बाद किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा इसमें मेरी क्या गलती, ये सब तो भाभी ने किया है ना, मैं तो बेकसूर हूँ। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जिठानी से कहती है, भाभी आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब आप ही इस घर की बहू हैं, अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस।
तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति मिहिर को माफ करती है।